खुदा भैंस देगा। शेख चिल्ली के गांव में एक मौलवी साहब आए। शेख ने उनकी बड़ी आव भगत की। मौलवी साहब ने कहा, जो कोई 40 दिनों तक नमाज लगातार पढ़ ले तो खुदा बंद करीम उसे एक भैंस देंगे। शेख जी ने बात सुनी तो उन्होंने मौलवी साहब से पूछा, धोखा तो नहीं होगा? मौलवी ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो जरूर तुम्हें भैंस देंगे। शेख जी ने उसी दिन से लगातार नमाज पढ़नी आरंभ कर दी। जब 40 दिन बीत गए तब मौलवी साहब के पास पहुंचकर बोले, आज 40 दिन बीत गए, अब दिलवाइए भैंस। शेख जी, मैंने तुम्हें एक अच्छे काम की आदत डालने की गरज से कहा था। वैसे खुदा से दुआ करो, वो एक क्या 50 भैंसे दे देगा। मौलवी साहब ने नसीहत दी तो शेख जी ने गुस्से से लाल होकर कहा, तुम क्या समझते हो कि तुमने मूर्ख बना लिया है? मौलवी साहब, मैंने भी नमाज बिना नहाए धोए धकेली है।